अर्चना तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ दराज धर्म पर। आप ये देखिए कोलकाता की सड़कों पर अभी वक्त हो रहा है 6:30 और 3:30 बजे से ये रैली निकली हुई थी। आगे देखिए तमाम कितनी लड़कियों की भीड़ है। ये सब के सब आकाश आप आगे जाकर के दिखाइए, आकाश आप आगे जाकर के दिखाइए कि कितनी भीड़ जो है वो यहाँ पर, क्या लड़की, क्या बुजुर्ग औरत, क्या नौजवान बच्चे, क्या बुजुर्ग व्यक्ति, सब के सब जो हैं इस मिछिल मतलब बंगाल में मिछिल को कहते हैं, जो सभा लगती है, जो रैली निकलती है उसको मिछिल कहते हैं, इस मिछिल में मौजूद हैं। हालांकि हमें LGBTQ का झंडा भी देखने को मिल रहा है, लाल सलाम का झंडा भी देखने को मिल रहा है, तमाम तरीके की आज़ादी के नारे भी लग रहे हैं। मुझे तो बड़ा अजीब लगा ये सुन करके कि यहाँ पर आज़ादी ये लड़कियाँ लगा रही हैं, कुछ भी करने की आज़ादी, मनुवाद से आज़ादी, शादी करने की आज़ादी, शादी ना करने की आज़ादी, कुछ पहनने की आज़ादी, कुछ ना पहनने की आज़ादी। ये थोड़ा सा मुझे खटका कि यहाँ पे ये रेप, जो कोलकाता रेप केस हुआ है उसको लेकर के ये लड़कियाँ मतलब रैली कर रही हैं, मिछिल कर रही हैं, और इनका जो सीधा सीधा प्रहार है वो ममता बनर्जी के ऊपर है और यहाँ की प्रशासन के ऊपर है। हम कोशिश करेंगे, ये पिछले 5 किलोमीटर से ये पूरी रैली ऐसे चल रही है, इसमें कॉलेज की बच्चियाँ भी हैं, हम बात करने का प्रयास करेंगे सबसे। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब ये रैली स्टार्ट हुई तब धूप थी, लेकिन रैली के दौरान जो बारिश हुई कि हमें भी 2 छाते तुरंत खरीदने पड़े। और ये सब के सब आपको जो इतनी भीड़ दिख रही है, ये सब के सब छाते में छाता लेकर के रुके नहीं, डटे रहे और अपने रैली को लगातार ये निरंतर जारी रखे। मैं इनसे थोड़ी बहुत बातें भी करूँगी और थोड़ा सा समझने का प्रयास भी करूँगी। आइए थोड़ा सा मैं अब इसी में चलती हूँ। आपका नाम क्या है? सुचित्रा दे। सुचित्रा दे, हाँ ठीक है। क्या करते हो सुचित्रा? एक्चुअली आई एम एक्टिविस्ट ऑफ द ट्रांस कम्युनिटी फ्रॉम द ऑल इंडिया बेसिस। आई एम एक्टिविस्ट फ्रॉम ट्रांस वुमन, एमिनेंट ट्रांस वुमन इन इंडिया। तो आप यहाँ पर मिछिल में आए हो जस्टिस की मांग करने के लिए? श्योर। क्या कुछ बातें हैं आपको? First of all, see, not on humanitarian ground, we all came forward here. Second thing, even this rape happened with us also. That time the police does not want to register our case. रेप आपके साथ भी होते हैं? हाँ, हम लोग के साथ होता है, क्यों? हम लोग तो सेक्स चेंज ऑपरेशन किया, हम लोग के साथ भी रेप हुआ बहुत सारे टाइम, बट पुलिस का भी, हम लोग जब प्रोटेस्ट किया था बहुत सारा न्यूज़पेपर में भी ये पब्लिश हुआ, बट हम लोग का रजिस्टर्ड केस रजिस्टर्ड नहीं किया था गवर्नमेंट। तो दैट इज़ अ वेरी हीनियस, रेप इज़ अ हीनियस क्राइम। सो व्हेन यू से नो मीन्स नो, you have to understand it. So whether you are transgender, whether you are trans woman, whether you are a female, whether you are a male, small children ke sath bhi hota hai, right? Rape is an unpardonable crime. It has to be stopped at any cost, because of, and it should be taught to the children right from the very at the tender age. तो ममता बनर्जी की सरकार के ऊपर सवाल उठता है जिस तरीके से उन्होंने इस बात को संभाला? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल उसने जो काम कर रही है, आई हेट फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन एवरीवन टेकिंग आउट रैली, दे आर प्रोटेस्टिंग, वेयर इज ऑल द लेजिस्लेचर? शी हैड लाइक अ बेबी ऑफ ब्यूटीफुल MLA MP, वेयर आर दिस पीपल, वेयर दिस पीपल दैट टाइम? दे वेयर नॉट अ सिंगल लेजिस्लेचर केम फॉरवर्ड टू प्रोटेस्ट। It is a tragedy. Before our vote, they are literally hankering after for it. They all are hankering for after it. But where are they now? ये पूछ रही है कि जब वोट का समय आता है तब तो हमारे पास आ जाती हैं, लेकिन जब वोट का समय नहीं होता तो अभी कहाँ है? अभी उनको, अभी ना उनका एक भी MP दिख रहा है ना। एक लड़की होके वो लोग लड़की को सपोर्ट नहीं कर रही है? एक लड़की है, रैली निकाला तो सही, बहुत अच्छा। नो, पुलिस हम लोग को स्टॉप किया था, बट हम लोग नहीं, ममता बनर्जी ने खुद ने रैली निकाला था। दैट इज आप लोग सब वही रखोक है, वही भोकोक है, समझ गया ना? तो वही होम मिनिस्टर है, वो खुद उसका अगेंस्ट में उसका रैली बार कर रही है, दैट्स अ ट्रेजेडी। अच्छा, ममता बनर्जी जो सड़कों पर रैली निकाली, देखिए एक बात बोलेंगे आपको, जब आदमी का 60 उम्र से ज़्यादा
उम्र हो जाते हैं ना, उसका ब्रेन काम नहीं करते, वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा उसका ब्रेन काम नहीं करता, इसलिए 60 इज अ रिटायरमेंट एज एंड शी शुड टेक द रिटायरमेंट राइट नाउ। एज अ चीफ मिनिस्टर आप कह रहे हैं कि ममता बनर्जी पूरी तरीके से फेल है। ऑब्वियसली एंड दिस इज अ रिजल्ट आउटकम, यू कैन सी द आउटकम ऑलरेडी। थैंक यू सो मच, आपने बात किया। अच्छा, आपकी कम्युनिटी के जब पास ये मैसेज पहुंचा, हाँ, तो आपकी कम्युनिटी ने इसको किस तरीके से मतलब किया? देखिए, दिस इज नॉट अ कम्युनिटी, दिस इज ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड, एक लाइक वी ऑल कम बिकॉज एक लड़की के साथ इतना बड़ा मतलब उसका जो 90 डिग्री में पेल्विक गार्डेल उसका तोड़ दिया है, तो एक देखिए आज वो मेरे साथ भी हो सकते हैं, कोई बच्चा के साथ भी हो सकते हैं। रेप इज क्राइम, अनपार्डनेबल क्राइम। अच्छा, जब आप लोग अपना केस लेकर के पुलिस के पास जाते हो, कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया? मेरे साथ ही हुआ था, दिस टाइम इंडिया प्रेस ने टाइम्स ऑफ दैट बहुत सारा बंगाल का न्यूज़पेपर टाइम्स ऑफ इंडिया, आई एम टॉकिंग अबाउट इन 2017-18 में आपके साथ रेप हुआ था? हाँ, मॉलेस्टेशन हुआ था, आई वॉज अ विक्टिम ऑफ द डोमेस्टिक दैट नॉट डोमेस्टिक वायलेशन सॉरी दैट वायलेटेड बाई द सेक्सुअली वायलेटेड बाई मेन। फिर पुलिस के पास गए तो पुलिस ने क्या किया? पुलिस कुछ नहीं किया, वो लोग बोला तो बोलता हूँ, एक्चुअली दैट टाइम लॉ वॉज नॉट इन आवर फेवर ऑल्सो, दैट इट वॉज यू नो दैट टाइम लॉ वॉज नॉट इन आवर फेवर, सो पुलिस ऑल्सो डिड नॉट टेक एनी रजिस्टर्ड एनी केस एंड वी ऑल्सो लुक फॉर द हेल्प फ्रॉम द पॉलिटिकल दैट पीपल बट दे ऑल्सो दे टर्न। क्या बोला, किस तरीके का व्यवहार पुलिस ने किया आपके साथ? बहुत बुरा व्यवहार किया, बहुत बुरा। दैट इज वाई आई हैव कम हियर बिकॉज आई हैव द आई कैन फील द पेन ऑफ दैट लेडी, क्योंकि आई हैव गॉन थ्रू दैट सेम पेन। जो लोग एक्चुअली डोंट माइंड ममता बनर्जी और जो लोग जितना जो कमेंट कर रहे हैं ना जो इसका अगेंस्ट में, उस लोग का फैमिली में अगर कोई ऐसा होगा ना तब उसका पता चलेगा कैसा लगता है। जो लोग ऐसा एक्सपीरियंस किया ना ट्रामा, उसका होल लाइफ बर्बाद हो जाते हैं। तो ये ममता बनर्जी को समझ में नहीं आ रही है बात? आई डोंट नो, शी इज एक्चुअली ना उसका मैं आई डोंट जज हर बिकॉज इट इज़ बियॉन्ड माई केपेबिलिटी, यू कैन अंडरस्टैंड नो। तो आप देखिए इतना लड़की इतना सब बच्चा सब ने एवरीबॉडी अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन, एवरीबॉडी अंडरस्टैंडिंग द ग्रेविटी ऑफ सिचुएशन, यू कैन अंडरस्टैंड। मेरा मानना है मतलब आई वॉन्ट टू टेल वन थिंग, she has so many MLA MPs, women MPs. Yes, I can understand the male MP MP, they may not come because it is ladies matter, so they may not come out, but so many women are Muha Moitro, Shayuni Ghosh, then what is that Rachana Banerjee, you know, all they all, you know, before vote they are all wearing their costly sari, putting up lot of makeups, and they are, you know, in front of the public they are showing. Now where are they? अभी कुछ दिनों अभी कल परसों ही तो ममता बनर्जी ने रैली निकाली थी उन सभी के साथ। यू नो बर्ड्स ऑफ द सेम फीदर्स आर फ्लॉक टुगेदर, दे ऑल आर सेम कैटेगरी, दे ऑल आर सेम कैटेगरी। उनको कोई लेना देना नहीं है अपने प्रदेश में जो भी हो रहा है। एक बात बोलेंगे, एक्चुअली दे गेट द पैसा फ्रॉम हर, सो दे हैव टू एट दैट इज वाई दे आर एट देयर बेक एंड कॉल, एट हर बेक एंड कॉल। अच्छा, आप इतना खुल कर के बोल रहे हो और इतना मुझे बंगाल के बारे में ये सुनाई देता है कि इतना ज़्यादा मतलब दहशत में लोग रहते हैं और कोई कंप्लेन भी जो है वो नहीं लेते हैं लोग, तो आपको डर नहीं लग रहा है इतना खुल के बोल? क्यों बोलेंगे, क्योंकि हमारे साथ तो हुआ तो तब तो वो लोग नहीं वैसे तो नहीं लिया, तो क्यों नहीं बताएंगे? तब तो ममता बनर्जी कहाँ पर था, हम लोग मैंने तो खुद अकेला फाइट किया था। से देखिए, रविंद्रनाथ ने एक पोएम लिखा है, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, हम क्यों फियर करेंगे? मेरा साथ तो हुआ ऐसा और मेरा तो ऑलरेडी बदनाम कर दिया वो लोग, तो चलो बदनाम जब हो गया तो खड़ो क्यों क्या करेगा, एटलीस्ट दे कैन शूट मी और आई मे बी आई विल डाई, मैक्सिमम से डर नहीं लगता? नहीं, क्यों डरेंगे, मेरे साथ तो ऑलरेडी मैं वो लोग तो मुझको ऑलरेडी व्हेन आई वाज अ विक्टिम ऑफ गैंग रेप दैट टाइम, तो आई दे गैंग रेप यस I was when I was in college that time before my sex change operation I was like that, I faced this kind of situation, even after change also I faced this kind of situation, so I had the experience, they cannot you know sway me, I experienced the thing. आप ये सारी चीज़ें मुझे बता रहे हो, मेरे खुद के गूज़बम्स आ जा रहे हैं,
देखिए हम लोग उसी लिए तो आया है, हम लोग आई कैन फील द हर पेन, व्हाट काइंड ऑफ पेन शी हैड गॉन थ्रू, कैन इमेजिन दैट लेडी व्हाट काइंड, जिसके साथ होता है उसका ही ऑलरेडी पता है कैसा होता है लगता है। आपकी कम्युनिटी से कितने सारे लोग आए हैं? बहुत आया है अभी तो, देखिए बहुत सारा पब्लिक आया है तो, बट अभी तो सब चल मतलब डिस्पर्स हो गया, मतलब मॉब डिस्पर्स हो गया, तो देख रहे हैं क्या होगा अभी। अच्छा क्या मांग है आप लोगों की? देखिए हम लोग जस्टिस मांग रहे हैं उसके पास, वो हम लोग का अगर लगता है जस्टिस मिलेगा। एक एक बात बोलेंगे आपको, सपोज आप पानी पीना चाहते हैं, मैं आपको कोल्ड ड्रिंक्स देंगे, आपको बोलेंगे जूस पियो ऐसा पियो, आप सिंपल पानी पीना चाहते हैं और वो अभी ऐसा बोल रहे हैं तुमको जूस देंगे। एक लड़की का लाइफ का प्राइस है 10 लाख रुपीज, वो उसको मम्मी को ऑफर कर रही है, आप लोग 10 लाख रुपीज ले लो केस सॉल्व कर दो, रफा दफा कर दो। एक लड़की का प्राइस, प्राण का प्राइस तुमको हम लोग 10 लाख रुपीज देंगे, तुम अपराधी को लेके आओ हम लोग के सामने। अच्छा ये संदीप घोष के बारे में सुना। और एक चीज़, वो जो 10 लाख रुपीज देंगे किसके पॉकेट से देंगे? हमारा तो पॉकेट से लेके तो देंगे ना। और ये जो संदीप घोष जो यहाँ का प्रिंसिपल है जिसके ऊपर बार बार ऑल एक्चुअली ना, शी हर्सेल्फ इज कॉरप्टेड एंड इन हर that frame whoever is working everyone is corrupted, sorry to say that. pura TMC corrupt, full community corrupted, hum uska jo under mein jo care sab corrupted hai. chaliye aap apna dhyan rakhiyega, aap itna khul kar ke bol rahe ho camera ke upar, kya hai, kuch dard nahi hai. hum log ka agitation mera se aaj bahut sara time hua to hum log ka upar already matlab gussa hai uska upar. chaliye thank you so much. allah bol allah. kaun se college se ho? सॉरी, कॉलेज से? कौन से कॉलेज? कॉलेज से नहीं है। अच्छा ये जो आप लोग पिछले, मैं लगातार चल रही हूँ आप लोगों के साथ, पिछले 5 किलोमीटर से मैं चल रही हूँ आप लोगों के साथ, ना आप लोग बारिश में रुक रहे हो ना कुछ हो रहा है, ये क्या मांग कर रहे हो? नहीं रुकेंगे हम लोग, नहीं रुकेंगे और हाँ। मतलब बहुत हो गया है उन लोग का, हम लोग और नहीं रुकेंगे। अच्छा। बहुत सहन कर चुके और सहन नहीं करना है हम लोग को। ममता बनर्जी तो कह रही है मेरे हाथ में नहीं है, CBI को चला गया है के। तो वो क्यों फर्स्ट में क्यों बोली कि संडे तक हमको दो? वो फर्स्ट में क्यों बोली कि संडे तक हमको दो, हम कर लेंगे? वो पहले तो ये बोली थी कि संडे तक हम देख लेंगे, संडे तक वो क्यों टाइम मांगी? आपका गुस्सा सबसे ज्यादा किसको लेकर? ममता बनर्जी को लेके, वो हाइट कर रही है, वो हाइट क्यों कर रही है ये मेरा उनसे क्वेश्चन है, वो हाइट क्यों कर रही है? उनका पार्टी ठीक है लेकिन वो हाइट क्यों कर रही है? छुपाया क्यों? डर रही, एग्जैक्टली छुपा क्यों रही है वो? ये महिला वोटर्स हैं जो कहा जाता है कि ममता बनर्जी की कोर वोटर है महिलाएं, और आज महिलाएं ही ममता बनर्जी पर सवाल खड़ा कर रही हैं। अच्छा मुझे एक बात बताइए, जब ये घटना घटी तो उसके बाद कलकत्ता में क्या डर का माहौल? हाँ मतलब मैं खुद ही ऑफिस गई थी सेम, मतलब एक खाली लिफ्ट से मेरे को उतरने में डर लग रहा था, ऐसा क्यों होगा, हमको तो काम करना ही पड़ेगा है ना, लेकिन डर, ऐसा डर क्यों लगेगा हम लोग को, हम सेफ क्यों नहीं है, हम अकेले क्यों रास्ते में नहीं, खाली लिफ्ट में क्यों हम लोग जा नहीं पा? मेरा गला कांप रहा है, देख रही हैं आप? देख रहे हैं, बिल्कुल देख रहे हैं। इतना डर है, इतना गुस्सा है कि क्या बोले, मतलब हम इसका एंड तक जाके ही छोड़ेंगे, हम अकेले नहीं, ये सब जाएंगे। बहुत बड़ी भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है, एंड हैट्स टू एवरीवन, हैट्स ऑफ टू एवरीवन। अच्छा मुझे एक और बात बताइए, क्या आपको लगता है ऐसे प्रोटेस्ट करने से कुछ बदलेगा? कुछ बदलेगा, शायद बदल भी जा सकता है, ऐसा मिचिल तो पहले नहीं हुआ है, ऐसा प्रोटेस्ट वैसे नहीं हुआ है, पहले नहीं हुआ है, राइट? तो ये होगा, बदलेगा, ऑब्वियसली बदलेगा। मांग क्या है आप लोगों की? जो गलत है उनको, मतलब प्रोटेस्ट तो हम उसके लिए कर रहे हैं, जो गलत है उनको शास्ति दो, ठीक है? हाँ चले कोई बात नहीं, क्योंकि ये बंगाली लड़की है, इसको हिंदी, इनको हिंदी नहीं आती अच्छे से, हम और भी प्रोटेस्टर से बात करके आपको बताते हैं। आप ऑफिस जाती हैं, क्या काम करती हैं? मैं एक कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करती हूँ। कॉर्पोरेट? हाँ। तो अब आप अपने उस ऑफिस में कितने सालों से काम कर रही हैं? मैं 6 महीने से ऊपर कर रही हूँ वहाँ पे। 6 महीने ऊपर से काम कर रही हूँ। कॉलेज भी जाती होंगी? कॉलेज खत्म हो गया। कॉलेज खत्म हो गया, लेकिन ऐसा डर इससे पहले कभी नहीं हुआ? कभी नहीं हुआ। आज के कोलकाता और पहले के कोलकाता में क्या अंतर है? नैरेटिव क्या चेंज हुआ इस इंसिडेंट के बाद? नैरेटिव तो चेंज हुआ है कि हम सब में डर बहुत ज़्यादा घुस गया है, ठीक है, लेकिन ये डर भी हम लोग ओवरकम करेंगे बहुत ही जल्दी।
और भी हम यहाँ पे लड़कियों से बात करते हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कॉलेज की लड़कियाँ ही हैं, ऑफिस गोइंग लड़कियाँ ही हैं और घरेलू महिलाएं भी यहाँ पे हैं। दीदी आप तुम्हें हिंदी बोलते पा रहे हो ना? ठीक, यहाँ पे और भी लड़कियाँ हैं, टीचर्स भी हैं मेरे ख्याल से, हम सबसे बात करेंगे। आपका नाम? रियांका। रियांका क्या करते हो? रियांका मैं जॉब करती हूँ एक एडवर्टाइजिंग कंपनी पे। एडवर्टाइजिंग कंपनी में जॉब करती हूँ। यहाँ आप कैसे, आपको कैसे पता चला कि यहाँ पे मिचिल हो रहा है? फेसबुक से, ये तो सबका मिचिल है। ये हम लोग जो क्लेम रिक्लेम द नाइट किए थे उसका ही एक सेकेंड दफ़ा है, तो ऐसे ही पता चला हमको। क्या उद्देश्य है इस मिचिल का? इस मिचिल से हम ये जो अन्याय हुआ है उस लड़की के ऊपर और ये जो सिस्टम हमको गुमराह करने के लिए इधर उधर सब कुछ कर रहा है, ये जो सेमिनार रूम इमरजेंसी रूम तोड़ा गया ये सब कुछ, तो हम चाहते हैं कि एक एकदम निष्पक्ष फ्रेश एक ठीक से सीबीआई इसका कुछ जांच करे और उस जो लड़की के साथ जो हुआ वो किसी और लड़की के साथ ना हो इसके लिए। उस इंसिडेंट के बाद कोलकाता में क्या बदला है? उस इंसिडेंट के बाद कोलकाता में आसपास के लोग जन के भीतर बहुत आक्रोश है। वो जो हम जो रोज बस पे जाते हैं, ट्रेन पे जाते हैं, वो जो कुछ मोलेस्टेड हो जाते हैं पर बोल नहीं सकते हैं, तो उसका जो एक आक्रोश है ये हम तो कल्पना ही नहीं कर सकते हैं कि इस लड़की ने क्या हद तक झेला है। तो वो सब एकजुट हो चुके हैं और गांव-गांव में, शहर शहर में, गली गली में सब एक आ रहे हैं कि सिस्टम के खिलाफ। अगर एक सिस्टम का जो माथा है वही सारे क्रिमिनल को सपोर्ट करेंगे तो हम जो साधारण लोग हैं विचार के लिए किसके पास जाएंगे? सही बात, क्या करेंगे? अच्छा, आप ममता बनर्जी को कितने नंबर देना चाहेंगे इस इंसिडेंट को संभालने के लिए अपने प्रदेश में? बहुत बुरा संभाले है ये जो, अब आज ही मिचिल के वक्त बहुत पुलिस का रैप था, ये रैप जब आरजी कोर में, ये तो पहले से ही रिक्लेम द नाइट का एजेंडा था, तो आरजी कोर का रैप पहले कहाँ था? सेंट्रल फोर्स कहाँ था? कैसे हजार गुंडे आके वैंडलाइज कर सकते हैं और ये कह रहे हैं कि इनको कुछ पता ही नहीं है? 19 जन, हजार में से सिर्फ 19 जन को गिरफ्तार किया गया है। 7000 में से 19 जन? 7000 नहीं, 7000 नहीं, 1000 था जो वैंडलाइज किए हैं वो गुंडे। कोर्ट ने कहा है 7000, हाई कोर्ट ने कहा है। फिर तो ये बताइए, 19 जन सिर्फ गिरफ्तारी हुए हैं तो ये कितना हद तक ये सिस्टम का फेलियर है? सिस्टम का फेलियर है। और भी हम लोगों से, थैंक यू सो मच। अच्छा, और भी हम लोगों से बात करते हैं। आपका नाम नहीं बोलना तो इट्स ओके, कोई बात नहीं। मैं यहाँ से भी सबसे थोड़ा थोड़ा बात करने के लिए आई हूँ कि आप लोगों का क्या उद्देश्य है। शायद आप लोगों का मिचिल आगे चल रहा है, आप लोग आगे चलिए, आगे चलते चलते अपन बात करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा थोड़ा मैं सबसे बातचीत करके आप लोगों को दिखाऊंगी कि अब कोलकाता में इंसिडेंट के बाद क्या माहौल है और अपनी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लेकर के यहाँ के जो लोग हैं वो अब क्या बोल रहे हैं। देखो कितनी भीड़ है, बहुत सारे जो लोग हैं इस मिचिल में आए हैं। जी निशा जी, आप मुझे एक बात बताइए, ये जो पहले तो ये रैली किस लिए है वो मुझे बताइए। ये रैली तो इसलिए है कि हम सबको बहुत तकलीफ है, हम सामने बहुत ज़िंदगी में अपनी बहुत तकलीफ़ें देखी हैं, आपने भी देखी होंगी पैदा होने के बाद से। बिकॉज यू आर बीइंग बोर्न एज ए गर्ल यू बिकम अ वूमन और बाद में मरते भी एज अ वूमन हो तो उसमें जितनी तकलीफ़ें होती है हमको, तो उस सब को उसके संग हम इस पूरे इंसिडेंट को कोरिलेट कर रहे हैं। तो ये जो इंसिडेंट हुआ है जो 8 और 9 तारीख की रात को ये यहाँ पर ये आरजी कोर हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में, ये 200 साल के करीब पुराना हॉस्पिटल है। इसमें और लड़कियों के लिए, मतलब जब से हॉस्पिटल बना है, जब से यहाँ पर ओपीडी हॉस्पिटल चालू हुआ होगा तब से नाइट ड्यूटी भी होती होगी और नाइट ड्यूटी में लड़कियाँ भी काम करती होंगी। हाँ, तो लड़कियों के लिए, औरतों के लिए, नर्सेज के लिए, आया के लिए, फीमेल स्टाफ के लिए नाइट ड्यूटी तो है मगर रेस्ट रूम नहीं है। हाँ, और रेस्ट रूम नहीं है इसलिए उन जगह जगह जाके रेस्ट करना पड़ता है। अब देखिए कि एक डॉक्टर लड़की, उसको 36 घंटे आपने उसे ड्यूटी करवाई, विच इज़ नॉट लीगल, ये नहीं है। अच्छा, ममता बनर्जी के बारे में क्या कुछ धारणाएं अब प्रदेश में बन रही हैं? देखिए, प्रदेश में ममता बनर्जी जीतेगी ये बात सही है,
मगर ममता बनर्जी जो इस तरह से ये काम करती हैं और जिस तरह के वो स्टेटमेंट देती हैं, इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट देती हैं, इस बार भी दिया और तो और उससे जो है ये धारणा कोई अच्छी नहीं है। मतलब वी डू नॉट, वी वेमेन, नन ऑफ अस, किस कोई भी औरत ये ठीक नहीं समझती है कि ये ममता बनर्जी के रहने की वजह से उसको कोई लाभ मिलने वाला। एज ए मुख्यमंत्री उन्होंने अपना काम अच्छे से किया? मुझे तो नहीं लगता अच्छे से किया, नहीं तो ये केओस होती। मतलब जिस तरह से उनकी पुलिस ने बिहेव किया, हाँ, अनडिक्लेयर्ड क्या ये डेथ के बारे में FIUR, उनका तो उनके अंडर में ये हॉस्पिटल है, हेल्थ मिनिस्ट्री उनके अंडर में है। जिस तरह से ये हॉस्पिटल ने एक्ट किया कि एक किसी ने अपोलॉजी नहीं मांगी, किसी ने उनके पेरेंट्स जब आए तो उनके संग ठीक से बिहेव नहीं किया, ना हॉस्पिटल का प्रिंसिपल आया, ना सुपर का वाइस प्रिंसिपल आया, ना डीन आया, नीदर द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। और जिस तरह के इरेस्पॉन्सिबल उन सब ने स्टेटमेंट दिए, ये तो बहुत ही शर्म की बात है। मैंने भी ममता बनर्जी को अपोलोजाइज करना चाहिए, एकदम करना चाहिए, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। ममता बनर्जी ने अपोलोजाइज किया है, मगर उससे हमको मालूम है कि उनकी अपोलोजी जो है मुंह से निकलती है, दिल से नहीं है। उन्होंने तो 10 लाख रुपए का कंपनसेशन दे दिया, उन्होंने उस लड़की की कीमत लगा दी 10 लाख रुपए। दिल में दर्द हुआ, बहुत दर्द। मतलब ये तकलीफ जो है ना, ये उसकी तकलीफ के संग मेरी 70 साल की तकलीफ एडेड है, इसलिए मैं इस जलमिसल में, ये जलूस मिसल में रैली में वॉक कर रही हूँ। और आपने पूरा 5 किलोमीटर वॉक किया है, वो भी बारिश से भी ज़्यादा कर सकते, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है, निशा जी सॉरी मैं आपको दादी, क्योंकि हमारे मैं अपने से बड़ों को इज्जत करती हूँ, तो इसलिए मैं आप जैसी होती हूँ तो मैं दादी बोल देती हूँ, सॉरी। नहीं नहीं, कोई अगर आपको बुरा लगा, दादी होने की उम्र ही है। इनफैक्ट मैं एक दिन सोच रही थी कि इस लड़की की उम्र 31 साल है, हाँ। ये अरे मेरी 70 है, हाँ। मेरे पेरेंट्स ने अगर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक ठीक से निभाई होती, टाइमली मेरी शादी कर दी होती, तो मेरी तो शायद इससे भी बड़ी नाती पोती होती। उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाई, मुझको नौकरी करनी पड़ी, शादी के लिए लड़का देखना पड़ा, और फिर थोड़ी उम्र में ज़्यादा शादी की। इवन देन दिस गर्ल इज मच यंगर देन माई ओन किड्स। अच्छा, जब आप ऐसी चीज़ें देखती हैं कि मतलब रेप हो जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा बिहेव करता है, तो आप 70 साल की हैं अभी, आपने 70 साल की ज़िंदगी अपनी देखी है, आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, क्या कहोगे ऐसे? मुझे तो लगता ही नहीं है कि ये, मैं तो हर रैली में वॉक करती हूँ, और मुझको लगता है कि यहाँ पर स्टॉप हो जाना चाहिए, मगर स्टॉप तो नहीं होता है ना। तो ये कोशिश है कि वी वॉन्ट टू से कि ये, मैं तो ये कहना चाहती हूँ, दिस फार नो फर्दर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।